हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है हमारे पास। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी, कैसे निकालना है। अगर डीजनरेसी पता हो और एनर्जी स्टेट्स के बारे में हमें बताया गया हो तो वहां से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले पहले हमने बात की थी मैक्सवेल इक्वेशंस की, उसके साथ हमने बात की एंट्रोपी की। आज हम बात करेंगे मीन एनर्जी की, ठीक है जी, एवरेज एनर्जी जिसको बोला जाता है। तो यहाँ से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर एनर्जी आपने निकाल ली तो उसको यूज करके हम एंट्रोपी या फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो बेसिक से फॉर्मुलेशन है जिनको यूज करके आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को वगैरह को सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। टू लेवल सिस्टम, हमारे पास टू लेवल सिस्टम है, मतलब उसके क्या है, हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स वाला एक सिस्टम है विच हैज एनर्जी जीरो एंड ई। तो दो लेवल्स का सिस्टम दे रखा है जिसमें जीरो एंड ई एनर्जी होल्ड करती हैं। द लेवल विद जीरो एनर्जी इज नॉन डीजनरेट, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। नॉन डीजनरेट मतलब उसकी डीजनरेसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उस दैट इज सिंगली डीजनरेट लेवल, मतलब उसका सिर्फ एक एनर्जी लेवल है। एक एन इक्वल टू, अगर जैसे क्वांटम नंबर लेके चलोगे ना, हाइड्रोजन एटम में 2s और 2p का जो लेवल है वो सेम होता है एनर्जी लेवल, तो वही अलग काम नहीं है। यहाँ पे ऐसा काम नहीं है, 2s अलग होगा 2p अलग होगा, ऐसा केस है ये, ठीक है। तो डीजनरेसी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी ग्राउंड स्टेट के लिए। वेयर एज लेवल विद एनर्जी ई इज ट्रिपली डीजनरेट। तो जैसे जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम ही स्टार्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक 1 है उसकी, दैट इज उसका सिर्फ एक एनर्जी है, ठीक है, एक एनर्जी लेवल है। मल्टीपल एनर्जी जैसे आ गया 2s 2p की एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो दो लेवल्स एक एनर्जी एक लेवल के ऊपर दो एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे बैठी हुई है, 2s भी है 2p भी है, मतलब इसकी डीजनरेसी अगर इसको लिखना हो तो डीजनरेसी क्या लिखोगे, इसकी दो लिखोगे, इसकी क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो वैसे ही कोई एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बता रखा हुआ है, ट्रिपली डीजनरेट, डीजनरेट मतलब यहाँ पे तीन लेवल्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पे तीन स्टेट्स हैं जो एक लेवल एनर्जी लेवल को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो मीन एनर्जी ऑफ द क्लासिकल पार्टिकल इन दिस सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, मीन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कितनी होगी। तो जो हमें बता दिया गया है कि टू लेवल सिस्टम है तो उसको हम देखते हैं। तो चलिए पहले सिस्टम ही डिजाइन कर लेते हैं। टू लेवल सिस्टम हो गया, लेवल नंबर 1 हो गया जी, लेवल नंबर 2 हो गया। जो फर्स्ट लेवल है उसकी एनर्जी बता रखी है 0, दूसरे वाले की एनर्जी हमें बता रखी है ई। पहले वाले को E1 डेजिग्नेट कर दीजिए, दूसरे वाले को E2। उसके साथ उसकी डीजनरेसी भी लिखेंगे, डीजनरेसी को हम जी के साथ डिनोट करते हैं। जी1 क्या आएगा, 1, बिकॉज डीजनरेसी यहाँ पे सिंगली है, ओनली सिंगली डीजनरेट है। और उसके साथ जो फर्स्ट लेवल ऊपर वाला लेवल है तो उसकी जो डीजनरेसी है दैट इज गिवन टू बी ट्रिपलेट, मतलब उसको उसमें डीजनरेसी की टर्म 3 आएगी। यहाँ पे तीन लेवल है वहां पे, मतलब उसमें तीन स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे S2S2P वाला केस हो गया। तो चलिए हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसको यूज कैसे करेंगे। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मुलेशन होता है इसको निकालने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मीन मतलब एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी यूजिंग कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन। समेशन विल बी रनिंग ओवर आई। तो हमारे पास अगर दो लेवल्स हैं यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक जाएंगे, अगर तीन लेवल हो गए तो 3 तक जाएंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो टर्म है वो एक्सपेंड वगैरह करती जाएगी। तो पहली टर्म जी ऑफ आई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिस इज डीजनरेसी टर्म। ई ऑफ आई मतलब एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है, साथ में एक स्टैटिस्टिकल फैक्टर है दैट इज ई रेस माइनस बीटा ऑफ ई, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बीटा यहाँ पे क्या होगा बेटा, इट इज गिवन बाय 1 बाय kT। दो थर्मोडाइनमिकल फैक्टर दैट इज टेम्परेचर एंड स्टैटिस्टिकल फैक्टर दैट इज बीटा, इन दोनों का आपस का रिलेशन ऐसे गवर्न होता है, ये रिमेंबर रखने वाली चीज है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में एनर्जी को छोड़ के बाकी सारा कॉर्पोरेशन इंक्लूड हो जाएगा जस्ट लाइक नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस। तो समेशन क्या आएगा यहाँ पे, जी ऑफ आई इंटू ई रेस माइनस बीटा ऑफ ई आई। तो ये यहाँ पे आएगा, एनर्जी नहीं आएगी डिनोमिनेटर में, बाकी सारा पार्ट आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मुलेशन है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो और कुछ नहीं बचा हमारे पास, दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा, और सेकंड टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बचेगा, E2 यहाँ पे आ जाएगा। तो उन सबकी वैल्यूज वगैरह डालिए, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करने चाहोगे, फर्स्ट टर्म क्या होगी, जी ऑफ वन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, साथ के साथ एनर्जी यहाँ पे जो लिखी हुई है इट टर्न्स आउट टू बी 0 ग्राउंड स्टेट। उसके साथ ई रेस पावर माइनस बीटा इंटू 0, ये ई रेस पावर 0 बनेगा। और साथ के साथ दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, जी टू यहाँ पे 3 हो गया, एनर्जी ई टू क्या हो गई, ई हो गई बेटा।
तो साथ में ई रेस्पो माइनस बीटा इंटू ई टू, यहाँ पे ई रेस्पो माइनस बीटा इंटू ई के साथ इसको हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में भी वैसे फैक्टर आएंगे, सिर्फ एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे एनर्जी की वजह से ये पहले वाली टर्म जीरो हो गई, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की वजह से ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में ये मिसिंग है। सो डिनोमिनेटर में ये चीज टर्म फर्स्ट टर्म होल्ड करेगी, लेकिन न्यूमरेटर में ये टर्म होल्ड नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूमरेटर में एक टर्म बची, डिनोमिनेटर में दो टर्म बच गई। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को ऐसे जस्टिफाई करेंगे, लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें चार जो ऑप्शन है उसमें बीटा का फैक्टर नहीं इंक्लूड किया गया, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर की फॉर्म में लिखेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू 1/kT के साथ जाएंगे, तो रादर देन स्टिकिंग आउट विद बीटा, तो हम इस फॉर्मुलेशन को, जो अपना रिजल्ट है, उसको ऐसे कोट करेंगे, उसको हम वेरीफाई करेंगे कि हमारी कौन सी ऑप्शन इसके साथ मैच करती है। तो ये हम ऐसे चेकआउट कर लेंगे, ठीक है जी। तो जैसे हम क्वेश्चन को, आंसर को चेक करेंगे, न्यूमरेटर में भी यहाँ पे 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑप्शन डी, तो डी ऑप्शन हमारी यहाँ पे ठीक हो जाती है। सी ऑप्शन भी गलत हो गई, यहाँ पे मिसिंग है। बी ऑप्शन भी गलत हो गई, यहाँ पे दोनों जगह मिसिंग है 3। और ए ऑप्शन भी हमारी गलत हो गई, न्यूमरेटर में 3 मिसिंग है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत हो गई, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बची बेटा, डी ऑप्शन बची। तो सिर्फ यही नहीं है कि आपने सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट कर ली, जरूरी एग्जाम में कई बार आ जाता है कि आप एंट्रोपी कैलकुलेट करके बताइए, एनर्जी को यूज करके आपने क्या निकालना है, सीधा पूछ लिया जाता है फ्री एनर्जी कैलकुलेट करिए ऐसे सिस्टम के लिए। तो वो भी हम वो वाला पार्ट भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि एनर्जी को यूज करके फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी या कोई और फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट होंगे, तो प्लीज स्टिक टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल माई। Thank you very much. See you next time.